हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीएससी एई की जो एक भर्ती है वो अभी आ चुकी है, ठीक है। और उसमें आपको टोटल जो एई की वैकेंसी है वो देखने को मिल रही होगी 271+10, यानी 271 वैकेंसी उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है, और 10 वैकेंसी और आपकी जो है वो करी गई है स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू। यानी टोटल आपके पास 281 की जो एडवर्टीजमेंट है वो 281 वैकेंसी का आया हुआ है। और उसमें आप जब देखेंगे तो जो भी उसका जहाँ पे ये पोस्ट वाइज इनकी वैकेंसीज दी गई हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, उसके नीचे एक छोटा सा नोट्स लिखा हुआ है। और उस नोट पे ये लिखा हुआ है कि अभी जो वैकेंसी है उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, जैसी परिस्थिति होगी या जैसी रिक्वायरमेंट होती है किसी और डिपार्टमेंट में उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक जानकारी आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि वो जो वैकेंसी है उसमें घटने बढ़ने की बात कही गई है। ये देखिए, राज्य सेतु निगम, ठीक है, लिमिटेड, इनसे एक आरटीआई के थ्रू ये जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब ये 12/7/2021 को मिला है, यानी 12 जुलाई 2021 को। और ये देखिए, राज्य सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ। और ये जानकारी जो है वो बिंदुवार देखिए क्या जानकारी मांगी गई है। पहला मांगा गया था कि व्हाट आर द टोटल पोस्ट फॉर एईस, ए के लिए इसमें कितनी पोस्ट हैं, तो वो बताया गया है इसमें कि जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के अंतर्गत सहायक अभियंता सिविल के 92 पद और सहायक अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल के टोटल 28 पद स्वीकृत हैं। फिर यहाँ पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट फॉर ए, ए के लिए कितनी पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे 1/7/2021 के हिसाब से इसकी स्थिति के अनुसार सहायक अभियंता सिविल यानी कि सिविल के लिए 83 पद और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 27 पद रिक्त हैं। तीसरी जानकारी पूछी गई कि व्हेन द वैकेंट सीट विल बी फिल्ड, कब भरी जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि 2013 की स्थिति के अनुसार शासन द्वारा अनुमोदित रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है, यानी कि वैकेंसी की रिक्वायरमेंट इस राज्य सेतु निगम लिमिटेड की तरफ से मांग ली गई है। और ये कितनी वैकेंसी है इनके यहाँ, ये इन लोग की जानकारी इन लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दी है। और आप देख रहे हैं कि जो वैकेंसी है ये वो आपके एडवर्टाइजमेंट में शामिल नहीं की गई है अभी तक। यही चीज जानकारी किसी और ने भी देख के मांगी थी और ये जानकारी जो है एकदम एग्जैक्ट वही जानकारी दी गई है। तो इस तरह से दो दो तीन तीन आरटीआई लगा करके ये देखा गया है। तो आपके अगर मान लीजिए 281 पद पहले के हैं, तो टोटल यहाँ से जो 83 पद आपके सिविल के हैं और प्लस इसमें अगर आप जोड़ दें 27 पद मैकेनिकल के, तो कितने हो जाते हैं, 110 पद यहाँ से हो जाएंगे। यानी कि 110 पद आपके टोटल 281 में और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश जल निगम है, जल निगम की भी वैकेंसी इस बार इसमें अभी नहीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो जल निगम की अगर हम बात करें तो जल निगम में यहाँ पे देखिए टोटल कितनी और वैकेंसी है। तो एक उसके हिसाब से उसमें ये भी बताया गया है कि जल निगम की लगभग लगभग सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की अकेले, ठीक है, एई की 80 वैकेंसी है। और जल निगम में सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसकी कंबाइंड अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी इसमें टोटल 18 और है, ठीक है। तो 18 और इसको आप जोड़ दीजिए, यानी कि 98 वैकेंसी यहाँ से हो रही है। तो ये 98+110 ये टोटल 22 वैकेंसी, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस एडवर्टाइजमेंट में और ऐड हो जाए, क्योंकि वहां नीचे वो नोट में डाल चुके हैं कि बढ़ घट सकती हैं। इसके अलावा और भी शायद ऐसी जानकारी है कि जो राजकीय निर्माण निगम है, ठीक है, उस निर्माण निगम में भी लगभग लगभग 100 वैकेंसी के आसपास और हैं, जिस वैकेंसी को अभी इस एडवर्टीजमेंट में जोड़ा नहीं गया है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो लगभग लगभग अभी 300 ऐसी वैकेंसी हैं जिन वैकेंसी को इस एडवर्टीजमेंट में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है या अगर यहाँ की रिक्वायरमेंट वहां जा चुकी होगी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये वैकेंसी इस एडवर्टीजमेंट में जोड़ ली जाए, ठीक है। तो ये जानकारी थी जिसको हमें आप लोगों से शेयर करनी थी। और चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपसे अगले वीडियो में साझा करता रहूंगा। अभी मुझे एक वीडियो और बनाना है कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।